तो इस फिगर से हम लोग कुछ रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो हम इस फिगर को देखते हैं, तो इस फिगर में हमें ये तीन जोन में दिखाई देता है। एक तो रेड रीजन है जो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए सी ओ ए सी। दूसरा आप आर्क ओ ए सी देख सकते हो, आर्क ओ ए सी, या सेक्टर कह सकते हैं, नॉट आर्क, ठीक है, एसी आर्क होगी। तो दैट इज अ सेक्टर, रीजन बाउंडेड बिटवीन द रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल। रेडियाई कौन सी होगी आपकी, ओए होगी, और ओसी होगी, और आर्क हो गया आपका एसी। तो ये रीजन, एंड द थर्ड वन इज द होल ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी। तो क्लियरली ये रीजन सबसे ज़्यादा है, देन आपका सेक्टर ओ ए सी हो गया, और फिर ये ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल ओ ए सी की एरिया क्या होगी, सबसे कम होगी। तो ये तो एक फैक्चुअल है जो आपको फिगर से दिखता है। अब इससे हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट डिराइव करने की कोशिश करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्राइंगल ओ ए सी की एरिया क्या हो जाएगी, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस, बेस के लिए हम ओ ए ले रहे हैं, ओ ए हमारा बेस हो गया। अगर ओ ए आप इसका बेस ले लेते हो तो हाइट हो जाएगा आपका सी डी, सी डी इज़ द हाइट। देन सेक्टर की एरिया क्या होती है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन थीटा क्या होता है, डिग्री में होना चाहिए, लेकिन जब आप रेडियन में रखते हो तो आपको 360 की जगह पे 2 पाई रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स पाई 2 पाई एंड पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस हम सर्किल की ओ ए भी बोल सकते हैं और ओ सी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ओ ए ले लिया, ओ ए स्क्वायर, ये सेक्टर की एरिया हो गई। थीटा बाई 360, या यूँ कहें एक्स बाई 2 पाई, और पाई आर स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर, दैट इज़ स्मॉलर देन हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट मतलब ओ ए बी का, तो ओ ए हमारा बेस हो गया और हाइट हो गई ए बी। अब अगर आप इसे ओ ए हर जगह से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ओ ए हर जगह से कैंसिल आउट हो गया। सपोज यहाँ से ओ ए कैंसिल हो गया, ठीक है, एक यहाँ से ओ ए कैंसिल हो गया, एक यहाँ से ओ ए कैंसिल हो गया, और ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, ये टू हर जगह से हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन में मतलब टू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ओ ए एक और आखिरी बचा है, तो ओ ए से हम इसको डिवाइड कर देते हैं पूरे एक्सप्रेशन को। जब ओ ए से आप डिवाइड करते हो तो यू गेट सी डी बाई ओ ए, दैट इज स्मॉलर देन एक्स, दैट इज स्मॉलर देन ए बी अपॉन ओ ए, ठीक है, सी डी बाई ओ ए। तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ओ ए को अगर हम ओ सी से रिप्लेस कर दें, मतलब ये आपका हो जाएगा सी डी बाई ओ सी, एंड दैट इज एक्स, एंड दैट विल बी द स्मॉलर देन ए बी बाई ओ ए, ए बी बाई ओ ए। तो यहाँ पे अगर सी डी, ये से दैट इज माई फर्स्ट रिलेशन, इसे पॉज करते हैं यहाँ पे और आगे थोड़ा देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से कैसे कनेक्ट होता है। तो ये आपका सी डी बाई ओ सी हो गया। सी डी आपका क्या है, सी डी आपका अगर हम इस ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए ओ सी डी में देखें, तो जो सी डी आपका हो गया दैट इज़ अ परपेंडिकुलर, एंड जो आपका ओ सी हो गया दैट इज़ हाइपोटन्यूज। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, और नीचे हो गया आपका हाइपोटन्यूज विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल एक्स। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटन्यूज क्या होता है आपका, साइन होता है, साइन ऑफ एक्स। सिमिलरली आप कह सकते हो कि जो ए बी बाई ओ ए है, ए बी अपॉन ओ ए, ए बी आपका इस ट्रायंगल ओ ए बी में आ जाए, तो ए बी आपका परपेंडिकुलर है और ओ ए जो हो गया आपका बेस हो गया। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आपने नाइन्थ टेंथ में पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा, ये क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक, हम सारे जो हमारे पास साइड्स के रेशियो थे, इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिप्लेस करते हैं इक्वेशन वन को, तो वी गेट साइन एक्स
sine of x that is smaller than the x that is smaller the tan x. जी आपके पास एक रिलेशन आ गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार आपको कहीं मिड स्टेप में आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है एंड हमें ये कंपेयर करना पड़ता है फंक्शंस को. तो ये एज सच आपको याद होना चाहिए साइन एक्स इज स्मॉलर देन एक्स, मतलब एक्स जो होता है सैंडविच होता है बिटवीन द साइन एक्स एंड टैन एक्स, जैसा आप ग्राफ से भी देख सकते हो. ठीक, तो हम पूरे एक्सप्रेशन को क्या करते हैं साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं. जब आप साइन एक्स से डिवाइड करते हो पूरे एक्सप्रेशन को, सपोज हमने साइन एक्स से डिवाइड कर दिया साइन एक्स, इसको भी साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, इसको भी साइन एक्स से डिवाइड कर दिया एंड इसको भी साइन एक्स से डिवाइड कर दिया. तो यहाँ कैंसिल होके तो ये वन आ गया, और यहाँ पे आप देखो तो टेन को आप क्या लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. ठीक है, टेन एक्स को आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हो. साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया आपका वन बाई कॉस एक्स. दैट मीन्स जो आपका रिलेशन टर्न आउट हो गया दैट इज वन इज स्मॉलर देन एक्स अपॉन साइन एक्स. अच्छा, जब डिवाइड करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ज़ीरो से डिविज़न डिफाइंड नहीं है. तो यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक्स एक पॉजिटिव एंगल है. ठीक है, हम एक्स पॉजिटिव है. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स अपॉन साइन एक्स दैट इज वन बाई कॉस एक्स. अच्छा, पूरे रिलेशन को आप रेसिप्रोकेट कर दो तो यू गेट द इक्वलेंट रिलेशन. ये वन आपका जो होगा ये इनक्वालिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी जब आप रेसिप्रोकेट करोगे. तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन एक्स दैट इज ग्रेटर देन cos x. तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. नाउ साइन एक्स अपॉन एक्स इज अ फंक्शन विच इज सैंडविच बिटवीन द वन एंड cos x. दैट इज द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. तो या ठीक है, आप इसको याद रख सकते.